शक्ति ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गोठानों में लगातार पैरा घोटाले सामने आ रहे हैं। ग्राम पंचायत मसनिया कला का मामला अभी चर्चा है कि ग्राम पंचायत हरदा में भी गोठान में पैरा घोटाले की शिकायत की गई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गोवंश की रक्षा और देखभाल के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में गोठान का निर्माण कराया गया और वहां गायों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। परंतु स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि और कर्मचारी शासन के इस सपने को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायत मसानिया के गोठान में पैरा घोटाला होने की बात सामने आई थी और अब उसी तर्ज पर ग्राम पंचायत हरदा में भी पैरा खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आ रही है, जिसमें आरोप लगाया गया कि गोठान में लगभग 85 ट्रिप पैरा खरीद कर उसका भुगतान किया गया है, परंतु मौके पर पैरा नजर नहीं आ रहा है। शिकायतकर्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि मौके पर 5 से 7 ट्रिप पैरा डाला गया और बाकी पैरा कागजों में ही खरीद कर भुगतान कर दिया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि जो पैरा गौठान में रखा गया था वह भी देखरेख के अभाव में बारिश में भीग कर पूरी तरह से खराब हो गया है। हाँ सर, हाँ, लेकिन कम था। कितना पैरा था? लगभग उसको अब 30-40 के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल से। कितना पैरा का भुगतान हुआ है आपको जानकारी है? कितना पैरा आने की बात हुई थी? लगभग वही 81 बोल रहे थे सर। जिस 81 ट्रैक्टर ट्रैक्टर के आस कितने ट्रैक्टर पैरा का पैसा निकाला? वही तो 81 बोल रहा हूँ सर। 81 ट्रैक्टर था वहाँ पैरा? 81 ट्रैक्टर तो कम लग रहा था सर। तो अगर कम था तो इसको भ्रष्टाचार मतलब या होने की संभावना तो नजर आ रही है? हाँ, वही बता सकेंगे पहले वाले सर कितने असर आ गए लोग। जी, हमारे यहाँ गौठान में, ग्राम हरदा के गौठान में पूर्व सरपंच और सचिव के द्वारा 81 ट्रैक्टर पैरा उन लोग बता रहे हैं और उन लोग उनका पैसा भी निकाल चुके हैं और पूरा इसकी घपलेबाजी हुई है। मुश्किल से 2-3 ट्रिप यहाँ पे पैरा था। आज से 3-4 दिन रोज हुए हैं गाय आ रहे थे, उसके बाद में गायों का खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन लोग भाग जा रहे थे। उसको उस समय उस उधर साइड में खंभा को तोड़ दिए थे गाय लोग, और कई प्रकार के यहाँ पे गुणवत्ता विहीन जो है गौठान का निर्माण कराया गया है। इसमें सचिव और सरपंच के द्वारा पूरा मिली भगत करके इन लोगों को पूरा शासन की योजना का पूरा ऐसी तैसी कर रखे हैं। हम लोग इसके संबंध में सीओ साहब को शिकायत किए हैं 15 तारीख को। गठान में 81 ट्रैक्टर पैरा निकल चुका है, लेकिन एक भी पैरा नहीं है। इसके संबंध हम संपूर्ण लिखित में रूप से सीओ साहब को दे दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनका निष्पक्ष जाँच हो। और कितना पैरा डाला हुआ है, कितना भी है, इसमें पैरा देख भी नहीं रहे। मुश्किल से यहाँ पर थोड़ा बहुत पैरा दिख रहा है, वो भी नहीं बराबर है, वो भी सड़ गया है। और इस मवेशी के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। जानवर आ रहे हैं बिना चारा पैरा, वो भी भाग जा रहे हैं। शिकायत तो मिला है पैरा के संबंध में, जांच दल बनाया गया है। जांच जैसे ही आएगी प्रतिवेदन कार्रवाई की जाएगी। जनता टाइम्स न्यूज के लिए शक्ति से राज शर्मा की रिपोर्ट।